भाई फाइनली इतना बढ़िया लग रहा है ना अभी चलाने में। फाइनली भाई अब आइए। ये आंटी अगर तो बैठ रखी है और आंटी ने ऐसे टॉपिक स्टार्ट कर रही है जिससे कि मम्मी मेरे को गाली दे हैं और आंटी और आंटी को फिर एंटरटेनमेंट मिले। ये फावड़ा है, ये घास है और यहाँ पे भी कटाई चल रही है। लास्ट टाइम भाई मैंने कटाई करी थी अपने स्कूल में, अभी जो मुझे याद है। और स्कूल में कटाई ना करो ना तो पिटाई मिलती थी। इस बात में मैं फिर कभी और दिन आऊँगा, ठीक है। अभी ये ख़त्म करके सामान लेने के लिए जाना है मुझको, ठीक है। तो कल अभी थोड़ा प्रसाद प्रसाद बना के उसको बांटना है, तो मैं सीधा कल मिलूँगा सेटअप के साथ। कल जो मैं सामान लेकर के आया हूँ ना भाई, शाम के बाद इतना हेक्टिक हो गया ना, और अभी भाई 1 बज रहे हैं और अभी बस मैं थोड़ा सा फ्री हूँ क्योंकि भाई अभी देखो हम ये जाएंगे बांटने के लिए। प्रसाद बनाए, ठीक है, यहाँ भी थोड़ा है, ये बांट करके आएंगे, उसके बाद दोबारा हमको जाना है। और देखो गुलाब भाई इसमें क्या है, देखो गुलाब भाई देखो दोबारा चावल बना रहे किसके लिए, मंदिर के बगल है। तो भाई अभी आज का दिन नहीं भाई हेक्टिक हो जाएगा, उसके बाद भाई मुझे जाना है फिर अपने फ्लैट में, ठीक है। वहाँ का कुछ काम पेंडिंग है और भाई आधा दिन निकल चुका है, 1 बज रहे अभी चले। हालत अभी भाई ख़राब हो गई, इतने सारे बच्चे आ गए थे, ठीक है, सबको ऑलमोस्ट मिल गया, मास्क भी बांट दिए, ठीक है। और अभी देखो इसमें भाई देखो 2 प्लेट है, एक ये खाएगा और एक मैं खाऊंगा, ठीक है। हम भाई चाहते तो बांट देते वहाँ पे, लेकिन देखो हम भी निकले देखो सुबह के, ठीक है, सुबह के तो नहीं, सुबह में पार्क की एक्सरसाइज वगैरह करी, मैं आया सामान लिया, फिर भाई बनवाने में हेल्प वगैरह करी। और अभी भाई 1:30 बज रहे हैं, अभी टाइम क्या हो गया, 1:30 बज गए हैं और भाई अभी देखो भूख लग रही है, हम भी खा लेते हैं क्योंकि अभी वापस अभी हम जाएंगे ना, उसके बाद भाई फिर हमको दे देंगे ये दोबारा से, कहते डब्बे दे देंगे, बोलेंगे बांटने के लिए जाओ, ठीक है। अच्छा काम है भाई, आप लोग भी किया करो, अभी हम जाएंगे उसके बाद फिर से लेकर के आएंगे, फिर बांटेंगे, ठीक है। अब फिर अगर अभी हम खाएंगे नहीं ना तो हमको कम से कम 3 बजे से पहले कुछ नहीं मिलेगा, गलत कह रहा हूँ है ना, सही बात है भाई। तो भाई सबसे पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा, देखो दिखा देता हूँ भाई मैं थोड़ा इसका रंगत कैसा है भाई वो दिखा दूँ मैं पहले आपको। तो भाई देखो ये है छोले चावल और कैसा है, धूप में भाई खड़े होकर के खाया है, अभी पता मन क्या कर रहा है, अब भाई ठंडा ठंडा शरबत मिल जाए पूरी लंगर वाली फीलिंग आ जाएगी। चलो फिलहाल अभी चलते, भाई पसीना हो गया बहुत ज़्यादा, देखते क्या हिसाब किताब है अभी, यार बहुत ज़्यादा दिन का समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा। अभी देख लो इस, ये देखो ये बंदा है, इसका ये देखो प्लेट ही है, कुछ तो शर्म कर भाई। भाई मैं वहाँ भी 2 बचाने वाला था। यूँ कह रहा भाई, भैया मैं अपने 2 बचाने किया, यूँ कह रहा मैं पागल है क्या, एक ही और उसमें भाई बहुत सारा था, ठीक है। तो गाइज अभी देखो 4 बज रहे हैं, ठीक है, पूरा दिन ऐसे निकल गया। और लॉकडाउन के बाद ना देखो आज ऐसा हुआ है कि भाई इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। ये वैक्सीन लगवा कर गया है, इसने भी लगवा ली, इसने भी लगवा, भैया ने भी लगवा ली, इन्होंने भी लगवा ली, सारे यहाँ पे जितने भी है ना सब ने वैक्सीन लगवा ली है ना, देखो वहाँ पे भी दीदी है। पर अभी माहौल ऐसा पता है लॉकडाउन के बाद हुआ है ना, है ना। आंटी आप अगर तो घर चले जाओ, बच्चे बुला रहे हैं आपको, ठीक है। ये देखा ये आंटी अगर तो बैठ रखी है और आंटी ने ऐसे टॉपिक स्टार्ट कर रही है जिससे कि मम्मी मेरे को गाली दे हैं और आंटी और आंटी को फिर एंटरटेनमेंट मिले है ना, है, सोचो है? सुनो देखो देखो पता क्या, हाँ मैं समझना, आशीर्वाद समझ रहे हैं, लेकिन बंद कमरे में मिलता है तो आशीर्वाद होता है, ठीक है। और जब जब ऐसे तो माहौल हो जाता है ना, जब ऐसा माहौल हो जाता है, हैं, तब 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 अक्सर बच्चे जब सबके सामने ऐसे आशीर्वाद मिलता है ना तो बच्चे अक्सर ना कहते हैं उसमें ईगो में ले लेते हैं, है ना भैया। अच्छा आंटी चलता हूँ मैं, क्या कल मम्मी पापा वैक्सीन लगाएंगे। हाँ बेटे। अच्छा आंटी भाई फाइनली कम से कम ना मैं भाई 4 महीने बाद चला रहा हूँ इसको। गाइस लास्ट भाई ये बाइक मैंने पता है कब चलाई थी, 4 महीने बाद, ऑलमोस्ट 4-4.5 महीने हो गए, ठीक है। ये देख रहे हो बाइक भाई और ये बंदा, अभी मैं कहते डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं 4 महीने बाद इसको क्यों चला रहा हूँ, लेकिन भाई एक बात है इस बाइक से जुड़ी हुई ना, अब मेरे को ऐसा लगता है बस यादें आते हैं,
ठीक है। और इतने टाइम के बाद मैं बाइक चला रहा हूँ ना भाई, बहुत मजा सा आ गया। ठीक है, इस बाइक के बारे में मैं ये बोलूंगा, अगर आप इसी कंपेरिजन करोगे ना बुलेट से, तो भाई स्ट्रॉन्ग और अगर मजबूती के मामले में भाई टक्कर देती है भाई बुलेट को। टक्कर क्या देती है भाई, मजबूती के मामले में भाई बुलेट रॉयल इनफील्ड कुछ है ही नहीं इसके सामने, क्योंकि भाई मैंने एक्सपीरियंस मतलब किया है और देखा है बिल्कुल अपनी आंखों से। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब बाकी आप समझदार हो, समझ गए ना क्यों मैं दोनों का कंपेरिजन कर रहा हूँ। ठीक है, और अब देखो लुक देखो इसका भाई, देखो कितना प्यारा लुक है। ओ भाई इतना बढ़िया लग रहा है ना इसे चलाने में, फाइनली भाई अब आ गया ये, अब फाइनली। आज का दिन भाई इतना हेक्टिक था ना पूछो मत, ये लगा लो कब निकल गया दिन मुझे पता ही नहीं चला। पता है मेरे को जाना था फ्लैट में थोड़ा काम करवाने, वहाँ भी नहीं जा पाया, और आकर के भाई इतना हेक्टिक हो गया ना, और मुझे मालूम भी नहीं है आज मैंने क्या शूट किया क्या शूट नहीं किया भाई। बस आज का दिन निकल गया, कैसे निकल गया कब निकल गया पता ही नहीं चला भाई। तो आज की वीडियो भाई यहीं तक रखते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे नहीं मालूम ये व्लॉग कितना लंबा होगा कितना छोटा होगा, मोस्टली भाई मेरे व्लॉग भाई 10-12 मिनट के होते हैं। अगर ये व्लॉग छोटा भी निकला ना तो भाई देख लेना, ठीक है। और गाइस प्लीज़ अगर वीडियो देखते हो तो कमेंट करके बताया करो वीडियो कैसी है कैसी नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यार पसीना देख लो कितना हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस अभी देखो 4 बंदे हम चल रहे हैं, ठीक है, रोड पे। उस नेचर तो नहीं ना साइड कर।